मेधरा न्यूज में आपका स्वागत है। फलोदी शहर में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है। कोरोना हॉटस्पॉट बनने जा रहा है फलोदी शहर। लगातार दूसरी जांचों में पॉजिटिव आए हैं काफी लोग। फलोदी शहर में 7 लोग पॉजिटिव एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4 लोग पॉजिटिव आए हैं। फलोदी क्षेत्र के साथ फलोदी शहर में भी भय का माहौल लोगों में बन रहा है। आज SDM यशपाल आहूजा की टीम एवं BSMO की टीम ने पॉजिटिव लोगों के घरों पर जाकर उन्हें समझाइश की तथा उनसे उनके सोशल डिस्टेंसिंग जानकारी मांगी। शहर में जिन स्थानों पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। प्रशासन एवं चिकित्सा टीम BCMHO सक्रिय होकर कार्य कर रहे हैं। नहीं लगेगा लॉकडाउन, SDM यशपाल आहूजा ने हमारे संवाददाता को बताया। हमारे चैनल के माध्यम से SDM यशपाल आहूजा ने लोगों को संदेश दिया। पिछली रिपोर्टें सर पॉजिटिव आई हैं और 8 और 11 19 पॉजिटिव क्षेत्र में मिले हैं, तो अब क्या प्रशासन लॉकडाउन या जनता कर्फ्यू लगाने पर विचार करेगा? जनता कर्फ्यू लॉकडाउन हमारे विशेष क्षेत्र में नहीं है। हम तो समझाइश से और ट्रेसिंग पर जोर है, ट्रेसिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं और जिनकी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है उनको ट्रीटमेंट के लिए जोधपुर भेज रहे हैं और कंटेनमेंट का पूरा ध्यान रख रहे हैं। जुलाई मध्य रात्रि से 23 जुलाई तक रहेगा पूना में लॉकडाउन। पिछले कई दिनों से बढ़ रही कोरोना रोग की श्रृंखला को तोड़ने के लिए भविष्य के लिए लक्ष्य रखकर जिला प्रशासन ने यह सोमवार दिनांक 13 जुलाई से मध्य रात्रि से पुणे शहर, पिंपरी, चित्तड़ शहर, हवेली तहसील साथ ही जिले भर में 5 कोरोना पॉजिटिव से अधिक है उन गाँव में पुनः 10 दिन के लिए 13 जुलाई से 27 से लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया। जिला प्रशासन ने लिया है निर्णय। 13 जुलाई मध्य रात्रि से 18 जुलाई तक सख्त रहेगा लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान जनता को केवल दूध ही मिलेगा। सब्जी, किराने की दुकानें व अन्य सामान की दुकानें बंद रहेगी। जिला प्रशासन ने प्रशासनिक बैठक लेने के बाद लिया निर्णय। पुणे शहर पुलिस द्वारा जनता से की गई अपील। विभागीय आयुक्त डॉक्टर दीपक मंजरेकर के साथ जिला कलेक्टर नवल किशोर राम, पुणे महानगर पालिका आयुक्त शेखर गायकवाड़ और पिंपरी चितवड़ महानगरपालिका के आयुक्त शरण हर्डीकर ने जानकारी ऑनलाइन पत्रकार